सो ये गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल प्रतिमुक्ता व्लॉग्स एंड गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 7:30 और अभी मैं 6 बजे सो के उठ गया था क्योंकि आज मुझे जाना है ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्कूल, क्योंकि मेरे स्कूल वापस से खुल चुके हैं। मम्मी पापा ने कहा जाना तो है ही, तो अभी जा रहा हूँ मैं मार्केट क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए मुझे लेके आनी है ब्रेड। पापा कह रहे कि मैं ही ब्रेड लेके आऊँ, तो बस चलिए फटाफट ले चलते हैं मार्केट और लेके आएंगे ब्रेड। पर उससे पहले चलते हैं बाबा के पास। फ्रेंड्स, अभी तो बाबा नहा रहे हैं तो बाबा से बाद में मिलेंगे, अभी चलते हैं पहले ब्रेड लाने के लिए। सो फ्रेंड्स, दूध तो मिल गया है तो बस चलिए अब चलते हैं और इसके देते हैं और लेनी है ब्रेड और फिर चलेंगे घर। सो फ्रेंड्स, तो अभी तुमने सामान ले लिया है तो बस चलिए फटाफट चलते हैं अब घर। सो फ्रेंड्स, तो फाइनली सामान लेके घर पे आ चुके हैं तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं स्कूल जाने के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, तो बस अब मैं आपसे मिलता हूँ स्कूल से आने के बाद। सो फ्रेंड्स, तो अभी मैं स्कूल से पढ़ के आ चुका हूँ और अभी आ चुका है हमारा लंच। लंच में बनी है मसूर चावल, मसूर मशरूम की सब्जी और रोटी, तो बस चलिए फटाफट से खाते हैं अब अपना लंच। फ्रेंड्स, मैंने ब्रेकफास्ट अपना मैंने लंच कर लिया और अब मैं लंच करने के बाद खा रहा हूँ ये गाजर का हलवा। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि पापा गाजर का हलवा बना रहे थे तो वो कल शाम तक तैयार हो गया, मैं दिखाना भूल गया। तो अब मैं खाना लंच करने के बाद खा रहा हूँ गाजर का हलवा। देखिए कितना धुआं निकल रहा, मैंने ज़्यादा ही गर्म कर लिया, तो बस आप फटाफट से खाते गाजर का हलवा। हेलो, बोलो। तू भी बोल, तू भी बोल। हेलो, ये कर रहे हैं हमें ऐसा, ये है डगर और हम भागेंगे। चलो भागो, चलो आज मैं भी खेलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मुझे खाना खाया 1-2 घंटा हो चुका है, तो अब मैंने सोचा मैं करूँ थोड़ी देर एक्सरसाइज क्योंकि 2-3 साल वगैरह बहुत कुछ हो रहा है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूंगा। अभी मैंने आज इसकी टी शर्ट पहनी क्योंकि एक्सरसाइज करते हुए कंफर्टेबल चाहिए होता है। तो अभी मैंने तो अभी देखिए, सबसे पहले मैं नीचे मैट तो पता नहीं मुझे मिल ही रहा था इसलिए मैंने अभी चद्दर बिछा ली क्योंकि थोड़ी बहुत लेट की एक्सरसाइज करनी है, तो वो मैं आपको आपको दिखाता हूँ। सो वैसे ये सारी चीजें मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपको अगर करनी है तो आप सब कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ऐसे मैट पे लेट जाइए, उसके बाद अपने हाथ को आप अपने नीचे रख लीजिए और उसके बाद अपने पैरों को बिल्कुल सीधा करके 2 मिनट रेस्ट देके उसके अपने पैर को आपको ऐसे ऊपर उठाना है, फिर नीचे लाने पर आपको नीचे टच नहीं करना, उसे हवा में ले जाके फिर ऊपर लेके जाना है, फिर नीचे लाके पर यहीं पर रोक देना है, पूरा ऐसे नीचे टच नहीं करना, यही रोक के फिर ऊपर, फिर यहाँ लाके यूँ नीचे रोक देना है, फिर ऐसे करते रहिए। तो इस ये एक एक्सरसाइज है पतले होने की, ये भी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, मैं सोचा आज आपके साथ भी शेयर करूँ। उसके बाद स्किपिंग कर सकते हो, स्किपिंग से भी काफ़ी जल्दी पतले होते हैं, मैं स्किपिंग भी करूँगा। अभी तो मैं लेट की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने वो वाली एक्सरसाइज कर ली है, अब आती है बारी स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग को हिंदी में कहते हैं ताड़ासन, इससे हाइट बहुत ज्यादा जल्दी होती है। आपको हाथ ऐसे रखने हैं तो ऐसे करके बिल्कुल सीधा स्ट्रेच करना है, जितना ज्यादा ऊपर खींच सकते हो वैसे, और जितना ज्यादा होल्ड कर सकते हो उतना ज्यादा होल्ड कर रखना अपने आप को बिल्कुल सीधा, मोपी जटकर बिल्कुल सीधा पूरा स्ट्रेच सब कुछ सीधा ऐसे 9-10 बारी करो रुक रुक के, 5-10 सेकंड का गैप, फिर खींचना, फिर ऐसे ऐसे करोगे तो ये भी एक टाइप की स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है और इसको कहते हैं ताड़ासन हिंदी में। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने स्ट्रेचिंग भी कर ली और अब बारी आती है स्किपिंग की। मैं एक बार में 100 कर लेता हूँ, देखते हैं आप मेरे कमेंट किया था ना आप सब कितनी कर लेते हो। अभी तो रुक गया, बोलते बोलते क्या है ना, बोलते बोलते सांस फूल जाता है, मैं अटक गया एकदम से। ऐसे था मैं 100 कर लेता हूँ लगभग, अब क्या मैं बोल रहा था बातें करते बोलते बोलते सांस थक गया, इसलिए थक गया। तब मैं करूँ उसके भी, सबसे पहले हमने करा, आपने देखा कि पैर ऊपर करना, उसको नीचे पर पूरा नीचे कटने का हवा में रखना है, उसके बाद हमने करी स्ट्रेचिंग जिसे हिंदी में कहते हैं ताड़ासन, उसके बाद करेंगे हम स्किपिंग। सो फ्रेंड्स, अभी तो मैंने एक्सरसाइज कर ली है और मैंने टी शर्ट डाल ली है, तो चलिए अब चलते हैं पार्क क्योंकि अभी बज चुके हैं 4:30।
6 बजे के आसपास मेरा ट्यूशन है, तो थोड़ी देर बाहर खेल के आ जाएंगे। मैं सोचूँ कि आज अपना रैकेट का भी काम करा लूँ। अभी आपको बता दूँ घर पे कोई भी नहीं है, मैं घर पे अकेला हूँ, क्योंकि पापा वापा तो दुकान पे गए हुए हैं, मेरी दीदी गई हुई है ट्यूशन, मम्मी गई हुई है शॉपिंग पे। जैसा कि आपने कल तो आपने देखा ही होगा कि मेरे ताऊ जी ताई जी आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि अब मेरे ताऊ जी ताई जी के बेटे यानी मेरे भाई की शादी आने वाली है, तो उसकी शॉपिंग के लिए ताई जी आई हुई है, तो मम्मी भी उनके साथ गई हुई है मार्केट। तो अभी तो मैं घर पर अकेला हूँ, गेट वेट लॉक करके जाऊँगा और सोच रहा रैकेट का काम भी करा लूँ, तब देखते हैं। तो बस चलिए फटाफट चलते हैं पार्क, और भी मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है। फ्रेंड्स अभी घर पर कोई नहीं था इसलिए मैं जा नहीं पाया, पर अभी पापा और बाबा आ चुके हैं, तो बस अभी मिलते हैं बाबा से, उसके बाद चलेंगे पार्क। बाबा आओ। आ गए? आ गए। सुनाओ। आज तो सब बुआ वगैरह आई होंगी। अब आई, आज तो नहीं, तेरी माँ ही, तेरी ताई ही, तेरी बहन ही, और तीन बुआ ही। तीनों बुआ थी? हाँ। दीक्षा दीदी भी होंगी? रिक्शा नहीं होता। रिक्शा नहीं, दीक्षा दीदी। हाँ कहते हो माना है। अरे रिक्शा नहीं, दीक्षा, दीक्षा दीदी। अब दीक्षा ही तो कह रहा हूँ। अच्छा वो नहीं आई? वो यहाँ आई, वहाँ पता ना मुझे। राखी बुआ भी आई थी? हाँ, अब जो है अब दुकान पर जी जाया गौरव, वो तो देखा था मैंने। मामा आया? मामा? हाँ। ताऊ जी? ब्रजेश। हाँ और ताऊ जी? ताऊ जी तीन आए। अच्छा शादी भी आने वाली है अब? वो खाया फलूदा रबड़ी? फलूदा रबड़ी, फलूदा हाँ देखा था मैंने। छोले चावल? तो तेरी कितना खा लिया गोल लट्टी का? मैंने कुछ नहीं खा सकती, नहीं खाया मैं तो, घर का घर पे ही रह गया। खांसी हो रही, मैंने जो नहीं खाया। आज तो मैं स्कूल गया था। हाँ कौन? मैं स्कूल तो मैं गाड़ी में ना गया। हाँ चलो ठीक है, जा रहा हूँ पार्क। कब कहाँ जा रहा है? पार्क खेलने के लिए। सभी मैं पार्क में पहुंच चुका हूँ, अभी हम बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो बस चलिए फटाफट से खेलते हैं बैडमिंटन, उसके बाद चलेंगे ट्यूशन पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी हो चुके हैं 6, मेरा ट्यूशन सवा 6 का था ना, तो अभी 15 मिनट बचे हैं, तो बस पार्क से भी घर जा रहे हैं, तो बस फटाफट चलते हैं घर, उसके बाद चलेंगे ट्यूशन। बाबा क्या कर रहे हो? तो अभी तो मशीन कर लो, उसके बाद मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, 7 बजे तक आ जाऊँगा, उसके बाद चलेंगे। मम्मी नहीं अभी आधे घंटे में आएंगी। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी मैं ट्यूशन जाने के बिल्कुल हो चुका हूँ रेडी, ट्यूशन जाने के बाद मुझे जाना है मार्केट की, बाबा को शेव भी करानी थी, तो बस चलिए फटाफट चलते हैं ट्यूशन। फ्रेंड्स अभी मैं ट्यूशन से पढ़ के पार्क में आ चुका हूँ, थोड़ी देर बाद मैं खेलते हैं, उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि बाबा को शेव भी करा के लानी है, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी। तो मैं सभी में पार्क से घर पे खेल के आ चुका हूँ, तो अभी बाबा को मार्केट जाना, तो देखते बाबा बुला मेरे। आया? हाँ। मोबाइल कहाँ है? रखा होगा, बोलो क्या हुआ? बस मोबाइल को शेव कराने के लिए चलना है। अरे अब नहीं, अभी खुला है, 8:30 तो हुई है अभी, मैं खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट में फिर चल रहे हैं। और दवाई कौन सी लानी है? कल ये दवाई बोलो ना क्या लाना है। एक वो दोनों बच गया फोन। हाँ और बस चलो ठीक है, अभी ले आता हूँ। बाबा लो खाना, बाजार से मंगवाया है आज। कोई बात नहीं, ये रहा पनीर, ये दाल और नान। चबा लोगे नान? हाथ से तोड़ के देखो। बता नहीं तो घर की रोटी बनाऊ। ना ना ठीक है, चालोगे? छोटे छोटे बाइट खाने तो गले में अटक जाएगा। देखो छोटे छोटे, ठीक है। ये क्या? ये पनीर है, वो दाल है। सुबह से चलिए चलते हैं मम्मी से। मम्मी डिनर में क्या बनाया आज? बाजार से आया। शॉपिंग में कितने देर हो गई क्या शॉपिंग से? क्या क्या आया है आज? एक तो दाल, पनीर और चाप, और रोटी घर की बाजार की। अच्छा ये नहीं रोटी, फटाफट से तो बहुत भूख लग रही है, पार्क से खेल के आ गया। चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी खाना वाना सब कुछ खा लिया, पर थोड़ा लेट हो गया, 9 बज गए, इसलिए सारी मार्केट वगैरह बंद हो गई होगी, तो बाबा की अभी शेव करने तो मैं मार्केट गया नहीं, तो अभी कर रहा हूँ मैं थोड़ी देर पढ़ाई, तो बस क्योंकि अब मैं पेपर दवा ही रहा, तो बस थोड़ी देर करते हैं उसके बाद पढ़ाई, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे, उसके बाद एडिटिंग चालू करके फिर सो जाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी मैंने पढ़ाई कर ली, और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो चुकी है, तो मैं आपको दिक्कत बताता हूँ हुआ क्या है। सो दिक्कत ये हो गई है कि जो पापा वगैरह जो मम्मी वगैरह सब शॉपिंग करके लाए थे, वो सामान अभी हमने बाहर रख दिया है,
रीज़न ये कि जो रीज़न है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। और देखिए सामान की जगह क्या आ गया है, ये बेड आ गया जहाँ पे मेरी सिस्टर सोती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ मेन रीज़न हमने ये सब क्यों शिफ्ट विफ्ट करा। फ्रेंड्स दिक्कत ये हो गई है कि हमारे घर में अभी एक आ गया है चूहा, जिससे अभी सबको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या मेरी सिस्टर नीचे ज़मीन पे जो गद्दा मैं दिखाया उस गद्दे पे सोती थी, तो थोड़ा पास है तो चूहे के ऊपर चढ़ने का डर है, तो उन्हें डर लग रहा है, इसलिए हमारे पास एक फोल्डिंग रखा था। तो अभी वो फोल्डिंग पे सोएंगी रात को, और इस गद्दा में यहाँ रख दिया। वो घर में जगह नहीं होगी कहाँ पे रखें, इसलिए हमने वो सामान बाहर डाइनिंग रूम में रख दिया और बेड को वहाँ पे रख दिया। तो इसलिए अब हमने हमारे क्या पीछे स्टोर रूम में एक फोल्डिंग पड़ा हुआ था, तो हमने उस स्टोर रूम से उसे निकाल के लिया है, हमने वहाँ पे रख दिया और बेड को हमने वहाँ पे रख दिया और बेड का जो सामान था वहाँ पे कर दिया। बताओ हम इतना, मुझे खुद डर लग रहा है। हुआ कि अभी बाबा के कमरे में ही बैठा हुआ था, बाबा को दूध देने गया, बाबा को दूध देते ही एकदम से बाबा की ड्रॉर के पीछे आ गया। मैं ड्रॉर को लाया, भाग के कूद के सीधा बाबा के बेड के नीचे चला गया। अब मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं मैं सोऊं रात को, रजाई थोड़ी सी नीचे लटके, वो रजाई चढ़ के ऊपर ना आ जाए। तो अब देखते हैं, अभी तो वो हमारे कमरे में है, मैंने गेट बंद कर दिया कि वो बाहर ना आ जाए। तो अभी तो वो हमारे कमरे में है, तो अभी तो मैं अभी बाहर आया वीडियो बनाने के लिए। तो बस चलिए अब चलते हैं घर के बाबा के घर, बाबा के कमरे के अंदर, स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। तो फ्रेंड्स चूहे से इतना डर लग रहा है कि चलते चलते भी डर लग रहा है कि पैरों पर ना चढ़ जाए। ये मान लो कि आज हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान, ये मान लो क्योंकि अब चार पाँच दिन तक तो रहेगा, उसके बाद अगर ये बाय चांस मिल गया ना तो इसे हम भगा देंगे एकदम से, देखते कैसे भगाते हैं इसको। ये आप मान लो कि आज हमारे घर में आए एक छोटा सा मेहमान, सोच के सही है छोटा सा मेहमान। तो बस अब चलते हैं और स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। सो फ्रेंड्स अभी मैं बाबा के कमरे में आ चुका हूँ, बाबा अभी सोने वाले हैं। तो बस चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं एडिटिंग। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।